अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली डोकर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बाथरूम मेकओवर की जर्नी जो हम लोगों ने रिसेंटली की है। तो उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। बिफोर फुटेज मेरे मिस हो गई इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं सकूंगी, लेकिन आपको कुछ क्लिप्स ज़रूर बता दूंगी कि मेकओवर होने के टाइम की। यहाँ पर जो है ना, वो लोगों ने फ्लोर वगैरह सारा कुछ निकाल दिया था और सारी जो है ना टाइल्स भी निकाल दी थी। पहले जो टाइल्स थी हमारे पास वो क्रीम कलर की थी और जो फ्लोर था वो थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का था। काफ़ी छोटा बाथरूम है मेरा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर वाइट टाइल्स लगी है तो ये थोड़ा सा बड़ा लगने लगा है। अगर टाइल्स अगर आपकी डार्क कलर की हो तो आपका रूम हो या बाथरूम हो या कहीं भी कोई हो जो कलर थोड़ा सा डार्क हो और जगह छोटी हो तो वो और भी छोटी लगने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर वाइट कलर के टाइल्स लगने पर यहाँ पर मेरा बाथरूम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। मेरा बाथरूम बहुत छोटा है जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, तो इसको मुझे ऑर्गेनाइज करना है और थोड़ा सा डेकोरेट भी करना है। तो यहाँ पर ये फ्लोरिंग हो गई है, फ्लोरिंग ग्रे कलर की है और टाइल्स हमारे वाइट कलर के हैं, तो कुछ इस तरह से लग रहा है। जैसे ही थोड़ा सा लाइट कलर हो या फिर थोड़ी लाइटिंग थोड़ी ब्राइट हो तो वैसे ही कोई भी रूम हो तो वो थोड़ा सा बड़ा लगना शुरू होता है। और यहाँ पर ये लोगों ने चीज़ों को इंस्टॉल करना भी शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर सिंक वगैरह लग गया है, मिरर भी लग चुका है और शॉवर भी लग चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो शॉवर भी लग चुका है और कुछ चीज़ें बाकी है। अभी ये लोगों ने सीलिंग नहीं की है तो वो भी कर रहे थे वो, इसलिए फ्लोर भी काफ़ी गंदा हो गया है। तो कुछ इस तरह से लग रहा है, सारी चीज़ें लग रही हैं अभी। तो मीनवाइल मैं आपको ये बता दूं, ये कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया था, ये मेरे पास पहले से था, पुराने बाथरूम में भी था, तो ये हम यूज़ करेंगे। और ये है एक टॉवल ऑर्गेनाइज़र, ये भी मेरे पास पहले से था तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ नई चीज़ें ली हैं, जैसे ये टॉयलेट पेपर होल्डर ये मैंने लिया है और ये सारी चीज़ें मैंने IKEA से ली हैं जो इजीली अवेलेबल है और बजट फ्रेंडली भी है। तो यहाँ पर ये एक मैंने छोटा सा समझिए कि शेल्फ लिया है जिसमें हम अपने ब्रश वगैरह के होल्डर्स रख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये भी हम वॉल पे लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने दो लिए हैं, दो ग्लास शेल्फ, तो ये भी हम लगाएंगे बाथरूम में जिससे हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। तो ये मैंने दो लिए हैं और भी मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि शावर कर्टन ये मैंने वाइट में लिया है और ये बहुत अच्छा है और आप इसको इजीली फिर रिप्लेस कर सकते हैं और ये काफ़ी रीजनेबल भी है। ये टॉयलेट बॉल क्लीनर क्लीनिंग ब्रश, तो ये मैंने लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने IKEA से ले ली है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये जो मेरे पास कुछ चीज़ें पहले से थी तो वो भी हम लगाएंगे और कहाँ पहले कहाँ लगी हुई थी और अब हमने कुछ चीज़ों की पोजीशन चेंज की है। ये जो टॉवल होल्डर है वो लगा दिया है इन्होंने। ऐसी सारी चीज़ों को हम एक एक करके इंस्टॉल कर देंगे। और IKEA की ये सारी चीज़ें इजीली आपको इंस्टॉल हो जाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है उनकी। तो यहाँ पर इनका काम हो गया है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई। अब है हमारा काम इसको ऑर्गेनाइज करना और किस तरह से इसको दिखना है। तो ये सारी चीज़ें हम अब आगे के उसमें करेंगे। तो ये चीज़ें सारी लग गई है, अब हम इसका फाइनल रिवील देंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लग गई है, मैंने सारा ऑर्गेनाइज भी कर दिया है और सारी चीज़ें अच्छे से जमा दी हैं। तो अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा बाथरूम बहुत छोटा है तो यहाँ पर मेरे पास ये एक कैबिनेट है, ये बाथरूम कैबिनेट है। आप इसको चाहे तो बाथरूम में भी लगा सकते हो, लेकिन आप लोगों ने देखा कि मेरा बाथरूम काफ़ी छोटा है तो हमने इसको बाथरूम के बाजू लगाया हुआ है। जो वॉल छोटी सी है वहाँ पर, यहाँ पर ईजिली ये आ गया है। तो ये पहले से भी लगे हुआ था, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें रखी है और किस तरह से ऑर्गेनाइज की है। यहाँ पर ये दो शेल्फ हैं, एक ऊपर है और एक नीचे,
तो ऊपर के शेल्फ में मैंने सारे बाथ टॉवल्स रखे हैं, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट होता है कि अब बाथ टॉवल्स आपके करीब हों जहाँ पर आपका बाथरूम हो, या आप उसके अंदर भी रख सकते हैं, बाथरूम के अंदर जब आपके पास जगह हो तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बाथ टॉवल्स रखे हैं, और इसके नीचे का जो शेल्फ है उसमें मैंने रखे हैं टॉयलेट पेपर। और ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हैं परफ्यूम, आफ्टर शेव और हेयर स्प्रे। ये चीज़ें मेरे हस्बैंड की हैं, क्योंकि जहाँ पर मैं ठहरी हूँ वहाँ पर एक फुल लेंथ मिरर है, तो वो यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी इजी है। तो इस तरह से उनकी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। और इसके नीचे है एक ओपन शेल्फ, यहाँ पर मैंने रखे हैं सिर्फ अपने ईयरबड्स। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी थी, तो यहाँ पर एक हमने लाइट लगाई है, बैटरी ऑपरेटेड लाइट है। और इसके नीचे दो ड्रॉर्स हैं, ये जो पहला ड्रॉर नज़र आ रहा है ये मेरे हस्बैंड का है। तो ये जो आपको बोल नज़र आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी किस लिए है। यहाँ पर इनका ट्रिमर रखा हुआ है, और उसका होल्डर है, और जितने भी उसके कॉर्ड्स वगैरह है वो मैंने इसमें डाल के रखे हुए हैं, और वैसलीन है, उनकी क्रीम है। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र वगैरह नहीं रखे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा ड्रॉर है, तो यहाँ पर उनकी क्रीम, ब्रश वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज़र आपको नज़र आ रहा है जिसमें कॉर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, वो है एक्चुअली में ये ईयरबड का जो बॉक्स होता है, वो मैंने उसको खाली करके उसके अंदर इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया। ये इजी वे होता है, फ्री ऑर्गेनाइजर्स आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये सेकेंड ड्रॉर है, सेकेंड ड्रॉर में सारी चीज़ें जो मेरी यूज़ करने वाली है। यहाँ पर है मेरा ब्रश, फेस क्लीनिंग ब्रश, और उसके साथ है ये स्क्रबर, फूड स्क्रबर, और इसमें है ये इसके सारे अटैचमेंट्स जो मेरे ब्रश के साथ किया है, तो वो मैंने इस तरह से ग्लास में डाल के रखे। ये कैंडल होल्डर है, तो जब भी कैंडल ख़त्म हो जाती है तो मैं इस तरह से इसके ग्लासेस को यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह मैंने ये एक बड़ा ग्लास भी लिया है, उसमें मैंने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें रखी है, नेल कटर, ट्विज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर सीज़र रखी है, और इसके साथ मैंने यहाँ पर दो वैसे ही ऑर्गेनाइज़र लिए हैं, वही ईयरबड के जो खाली वाले डब्बे थे मैंने उसको लिया, और उसमें मैंने रखे अपने सारे फेमिनिन प्रोडक्ट्स, तो वो मेरे लिए इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है कि खरीद में होता है। तो मैंने दो उसके बॉक्सेस लेके उसको ऑर्गेनाइज किया है। तो ये छोटे ड्रॉर्स है, तो इसमें मैं दूसरे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ नहीं कर सकती थी। और इसके नीचे है दो और शेल्फ, तो पहले शेल्फ में मैंने रखा है यहाँ पर टॉवल्स, जो बाथरूम के छोटे वाले टॉवल्स हैं वो मैंने इसमें रखे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टॉवल्स बाथरूम में नहीं रख सकती थी, तो मैंने जो एक्स्ट्रा है इसमें रखा है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर मैंने रखा है, और ये इसलिए खाली है कि तब भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए तो मेरे पास स्पेस होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको खाली रखा हुआ है। और इस वाले ऑर्गेनाइजर में मैंने रखे हैं कुछ ईयरबड्स, और ये कुछ पेस्ट है, ये टीथ वाइटनर, और यहाँ पर एक मेरा सोप डिस्पेंसर, एक्स्ट्रा सोप, सीजर्स, ब्रश, और ये इन सारी चीज़ें जो ओकेशनली यूज़ होती है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, इस तरह से मैंने इसको इस ऑर्गेनाइज़र में डाल के रखे हैं। और ये वाले जो ऑर्गेनाइजर्स है ये एक्चुअली है फ्रिज के ऑर्गेनाइजर्स, ये मैंने लिए थे एक्शन से, ये बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी होती है, इसलिए मैंने इसके साथ ऑर्गेनाइज किया है। इसी तरह यहाँ पर है मेरा ब्रश वगैरह, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो मैं रखती हूँ। और ये मेरे पास एक और कैबिनेट है जिसमें मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो जो ये इसमें से वही चीज़ें हैं जो एक एक मैंने रखे हुए हैं एक्स्ट्रा में। यहाँ पर है रूम स्प्रे और शैम्पूस है, बॉडी लोशन है, इस तरह की चीज़ें मैंने इसमें रखी है। तो इस तरह से मैंने कुछ ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा कैबिनेट और है जिसमें मैं अपने एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखती हूँ। इसमें सिर्फ वही सामान होता है जो इमीडिएट ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो मैंने इसमें डाल के रखे हुए हैं, अदरवाइज़ मेरे पास एक और कैबिनेट है जिसमें मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की है। तो ये तो हो गया है ये वाली कैबिनेट का। और एक हुक मैंने यहाँ पर भी लगाया, जो बच्चों के अक्सर बाथ गवन वगैरह होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो लोग बाहर ही लगाते हैं उसके लिए। तो अब हम जाते हैं बाथरूम की तरफ।
तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डोर भी हमने चेंज किया है। पहले जो डोर था वो काफ़ी ख़राब हो गया था, और यहाँ पर मैंने एक बाथरूम मैट डाली है, क्योंकि अंदर नहीं डाल सकते तो मैंने बाहर डाली है। और ये मैट मैंने आइकिया से ली थी, और ये बहुत ही बेस्ट मैट है, तो आप इसको ज़रूर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब हम देखेंगे बाथरूम। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं डोर पे। डोर पे मैंने एक ऑर्गेनाइजर लगाया हुआ है जो आइकिया का है। ये बहुत यूज़फुल होता है, जिस पे आप टॉवल वगैरह भी लगा सकते हैं, बाथ गवन वगैरह भी लगा सकते हैं, वो हमने डोर पे लगाया है। यहाँ पर हमारा टॉवल ऑर्गेनाइजर, यहाँ पर मैंने दो टॉवल्स लगाए हैं जो ग्रे और वाइट में है। ये टॉवल्स मैंने आइकिया से लिया था, और उसके बाद में यहाँ पर हमने लगाए ये दो शेल्फ। ये दो शेल्फ मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि मुझे थोड़ी सी ड्राई स्पेस मिले, जहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकूँ। क्योंकि अक्सर होता है कि मेकअप रिमूवर, इन तरह की चीज़ें अगर ड्राई प्लेस पे हो तो यूज़ करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा जार लिया, उसमें बेसन डाल के रखा है जो मेरी बेटी यूज़ करती है, और उसके बाजू के यहाँ पर मैंने रखा है मेकअप रिमूवर, और उसके बाजू का आपको एक ग्लास नज़र आ रहा है, वो मैं आपको बताऊँगी कि किस लिए रखा हुआ है। और उसके बाजू का एक छोटा सा प्लांट। प्लांट रखने का रीज़न यह था कि यहाँ पर बाथरूम में हम ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि इसको कलर देने की, तो कलर के लिए मैंने इसको रखा है। यहाँ पर मैंने एक बोल में अपने कॉटन पैड्स डाल के रखे हैं जो मेकअप रिमूव करने के लिए काम आते हैं। और यहाँ पर है मेरा फेस वॉश, स्क्रबर और पेस्ट, तो कुछ इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया है। और उसके बाद में शुरू हो जाता है सिंक का एरिया। तो मैंने चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको चीज़ें लग रही हैं कि कुछ ज़्यादा है, तो वो इस वजह से क्योंकि हम पांच मेंबर हैं, तो पांच मेंबर की अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर सिंक के पास मैंने एक सोप डिस्पेंसर रखा हुआ है, और एक सोप होल्डर रखा हुआ है। और यहाँ पर यह स्पेस इसलिए खाली छोड़ी है कि अक्सर कोई भी अगर यूज़ करता है अगर बाथरूम, तो वो अपनी चीज़ें रख सके। और इसी तरह से मैंने इसको भी खाली रखा हुआ है, क्योंकि जब भी हम ब्रश करते हैं तो सबके अपने पेस्ट वगैरह है, तो वो रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको होल्डर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली ब्रश होल्डर है, तो वो मैंने इसलिए रखा है, मेरे पास अक्सर गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके ब्रश वगैरह रखने के लिए मुझे इजी रहे, इसलिए मैंने इसको वहाँ पर रखा हुआ था। और ये वाली स्पेस मैंने खाली रखी है ताकि कोई भी अपने चीज़ें रख सके। तो उसके बाद में ये मेरा शावर एरिया, यहाँ पर मैंने लूफर्स लगाए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक ये हुक लगाया हुआ है जहाँ पर अपने रबर बैंड वगैरह आप बात लेते टाइम लगा सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये मेरा ऑर्गेनाइज़र लग गया, और ये बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है। मैं तकरीबन 2-3 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो वहाँ पर सबसे टॉप में मैंने रखे हैं शैम्पू और बाथ जेल वगैरह, और उसके बाद में मेरे बेटी का सेक्शन है, उसके बाद जेल है, और यहाँ पर मैंने ब्रश और पेस्ट वगैरह रखे हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, तो कुछ इस तरह से मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया है। और उसके बाद में ये है शावर, तो कुछ इस तरह से मेरा बाथरूम है। और इस मैंने सारे क्लीनिंग टूल्स मैंने रखे हैं नीचे, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टूल है, क्योंकि बच्चे वगैरह भी आते हैं तो स्टूल यूज़ होता है। यहाँ पर मेरा एक क्लीनिंग ब्रश जो स्क्रब करने के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर है एक वाइपर, जो छोटा सा वाइपर है, मुझे ज़्यादा बड़ा वाला ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाथरूम काफ़ी छोटा है, तो इसलिए मैंने छोटा सा रखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर एक मैंने छोटा सा ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर लगाया, जिसमें मैंने रखे बाथरूम क्लीनर वगैरह, एयर फ्रेशनर, बाथरूम क्लीनर, तो ये कर्टन के पीछे हो जाता है, नज़र भी नहीं आता है, उस तरह से मैंने उसको वहाँ पर लगाया। यहाँ पर है मेरा टॉयलेट बोल क्लीनर, क्लीनिंग ब्रश, वो मैंने वहाँ पर रखा है। और यहाँ पर है मेरा टिश्यू होल्डर, तो
क्योंकि बाथरूम काफ़ी छोटा है तो हम ज़्यादा चीज़ों के साथ इसको डेकोरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ों से डेकोरेट किया है जो कम स्पेस भी लेते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल प्लांट्स है जिसके लिए आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। टॉवल्स से आप ऑफकोर्स उसको अच्छे से लुक दे सकते हैं, तो टॉवल्स मैंने उसी हिसाब से लिए। कुछ इस तरह से मैंने सिंपल चीज़ों से अपने बाथरूम को ऑर्गेनाइज किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और कुछ चीज़ें हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।